हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी टाटा सफारी डायकोर के बारे में। आज मैं बताने वाला हूँ इसकी जो भी खामियां हैं, जैसे प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। तो भाई, सबसे पहली प्रॉब्लम इस गाड़ी में है रिलायबिलिटी की। मतलब इस गाड़ी का इंजन 1.25 लाख पे इसका इंजन चेंज हुआ है, और टाटा की उस टाइम सर्विस इतनी बेकार थी। हाल फिलहाल तो थोड़ी अच्छी हो गई है, तो उस टाइम इतनी बेकार थी सर्विस टाटा कंपनी की। और 6 महीने तक गाड़ी डीलरशिप पे पड़ी रही, फिर भी इनका कोई ध्यान नहीं था गाड़ी के प्रति। फिर केस किया कंपनी पे, फिर उन्होंने इंजन रिप्लेस करा इनका। रिलायबिलिटी की शुरू से इस कार में दिक्कत है, और कम से कम 12 साल हो गए होंगे मेरे को इसको रखते हुए। और गाड़ी मेरी चल चुकी है 2,08,000 किलोमीटर। और एक बार क्या हुआ था, इसका एक्सीडेंट हुआ था इस तरफ से। तो इसका ये वाला फेंडर, साइड फेंडर, लाइट, बम्पर, ये सब बिल्कुल ठुक चुका था। और भाई, बिल्ड क्वालिटी तो टाटा की शुरू से अच्छी है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। बिल्ड क्वालिटी में इस कार का कोई जवाब नहीं है। सामने वेगनार थी, वेगनार ड्राइवर सीट तक पूरी ख़त्म हो गई थी, और इस गाड़ी में सिर्फ इतना डैमेज पड़ा था, यहाँ तक भी साइड में घिसन टाइप, बस ज़्यादा डैमेज नहीं आया था इसमें। बम्पर और लाइट चेंज हुई थी एक साइड की। और एक मेजर प्रॉब्लम उस एक्सीडेंट के बाद आई कि इसका जो टायर है, जैसे कि ये देखिए बाहर निकलता है, बाहर आगे वाला बाहर और पीछे से अंदर। से अभी इधर देख लिया, मेरी उंगली भी नहीं घुस पा रही इधर, ये देखिए एक उंगली ऊपर रख के ऐसे अंदर डाली मैंने। तो इस साइड का जो टायर है, इस साइड का पूरे जा रहा है आराम से। तो भाई, उस साइड की चेचिस बैंड हो गई इस कार की, जो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। कंपनी वालों ने ये सब पे इतना ध्यान नहीं दिया। चेचिस बैंड हुई अंदर से, पता नहीं क्या दिक्कत है। इसको मैंने एक बार गर्म करवा के सही भी करा था, पर बात कुछ बनी नहीं। और गई, इसमें एक और दिक्कत है मेन कि भाई इसका गियर, एक मिनट, इसकी गियर में प्रॉब्लम है। इसका गियर, जैसे गियर लीक होता है, और गियर में प्रॉब्लम आ गई इसके, काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे थर्ड गियर पे गाड़ी का गियर रुकता नहीं है, थर्ड गियर पे गाड़ी वापस गियर फेंक देती है। तो मैं उसका गियर पूरा रिप्लेस कराना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगा खर्चा पड़ता है कार के लिए। और गियर सबसे मेजर पार्ट है, और गाड़ी 2,08,000 किलोमीटर चली है। वहीं टोयोटा की गाड़ी होती है तो काफ़ी रिलायबल रहती है। टोयोटा की फॉर्चूनर भी है मेरे पास, पर वो काफ़ी रिलायबल है इससे, तो उसमें इतना खर्चा भी नहीं आता है। वो भी काफ़ी चल चुकी है, उसमें इतना खर्चा भी नहीं आता, और काफ़ी बढ़िया चलती है वो कार, अभी भी काफ़ी बढ़िया चलती है। पर इससे थर्ड गियर में काफ़ी प्रॉब्लम है। थर्ड गियर जैसे लगाते हैं, खड़खड़ आवाज़ आती है, और गियर वापस फेंक देती है गाड़ी इस टाइप से। और गाड़ी में तो शुरू से दिक्कत है। देखो भाई, ये सफारी गाड़ी रखनी है तो उस हिसाब से आपको पैसा भी रखना पड़ेगा। मतलब 40-50 हज़ार महीने का मान के चलो। अभी मैंने गाड़ी का सब काम कराया है, जैसे इसके अपर आर्म, लोअर आर्म सब चेंज कराई है गाड़ी की, अपर आर्म, लोअर आर्म सब चेंज कराया है, सब बिल्कुल नया करवाया है। फिर भी गाड़ी में थोड़ी बहुत दिक्कत है। मतलब गाड़ी में यूँ है कि कभी ये गाड़ी सही नहीं चलती है, खर्चा मांगेगी। हालांकि इसका स्टांस बहुत बढ़िया है, रोड प्रेजेंस, जो भी देखता है उसको लगता नहीं है कि, मतलब जिस टाइम ये लॉन्च हुई थी सिर्फ नेताओं के पास थी ये गाड़ी, उस टाइप से इसका स्टांस है। और गाड़ी तो काफ़ी बढ़िया है। हालांकि मैं सोचता हूँ ऐसी गाड़ी एक और हो जाती उस टाइम पर, मैं ले लेता। इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है। ये गाड़ी मतलब स्कॉर्पियो वगैरह मेरे को नहीं लगता इसके सामने कुछ है। भले ही खर्चा है, पर स्कॉर्पियो वगैरह से काफ़ी अच्छी चलती है। स्कॉर्पियो भी है मेरे पास, पर उससे तो ये, मतलब मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगती है। स्कॉर्पियो में बॉडी रोल बहुत है, इसमें बॉडी रोल है पर कम लगता है, इतना नहीं लगता है इस टाइप से। अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि ब्रोटोमोटिव ले जाऊँ। फिर अब ये भी है, ये किसी ने, कोई फैमिली मेम्बर ने यहाँ पाँव रखा था तो ये निकल गया पूरा। इसको नट से टाइट करा, फिर अब ये सब छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती है, बड़ी गाड़ी है। और अब इसका मैं पूरा इंटीरियर बनवाने वाला हूँ, जैसे उस टाइप वो पिलर है उसका वो पूरा निकल चुका है, तो इसका इंटीरियर पूरा बनने वाला है। और स्टे ट्यून, काफ़ी अच्छा काम होने वाला है। अलॉय वगैरह भी लगाएंगे, पूरा रिस्टोरेशन करेंगे गाड़ी का। हालांकि इसमें जंग भी काफ़ी आ चुका है, जंग काफ़ी पकड़ती गाड़ी, मेरा हेवी यूज़ रहता है गाड़ी का, माइंस वगैरह पे और इस टाइप पे चलती है जगह ये गाड़ी। गाड़ी तो काफ़ी बढ़िया है, पर जो
टाटा की सर्विस थी उस टाइम पे, हालांकि ये मेरी दूसरी तीसरी गाड़ी थी उस टाइम पे। पहले मेरे पास एनी वगैरह पुरानी ज़माने की फियाट वगैरह वो सब थी, पर उस टाइम पे ये काफ़ी बढ़िया चल रही थी। मेरे को ये पड़ी थी 10 लाख की ऑन रोड, कोई 10 लाख में आजकल तो कुछ नहीं आता। टाटा टियागो वगैरह इतनी इतनी सी गाड़ियाँ आती है, समझ भी नहीं आती इसमें। देखो भाई जगह देखो कितनी जगह है, मतलब कोई सोच सकता है 10 लाख की आई होगी। अभी मैं किसी से इसका रेट पूछूँ ना तो 20 लाख का बताते ही बताता है। जल्दी मैं इसकी मॉडिफिकेशन करूँगा और स्टे ट्यून रहना उसके लिए। रोटोमोटिव भी जाएगी गाड़ी और काफ़ी अच्छा काम कराएंगे इस पर। हालांकि इलेक्शन में भी काफ़ी चली है गाड़ी, इलेक्शन की वजह से ये पूरा स्टिकरिंग हुई थी इधर, ये पूरा स्क्रैच वगैरह पड़ रहे हैं इधर, बंदों ने अच्छे से काम नहीं किया और काफ़ी रफनेस आ गई है पेंट पे, क्योंकि तो भाई इलेक्शन में चली है। ग्लू वगैरह इतना अच्छा क्वालिटी का था नहीं उनका, उन्होंने ये भी उखाड़ दिया था उस टाइम पर। तो गाड़ी तो भाई नेताओं की गाड़ी है यूँ समझ लो भाई। और इसमें दिक्कत है इसकी बटन्स की। अब ये बटन मैंने सही कराया, जंग खा जाते बटन भी है, ये कुछ काम नहीं करता। डिफोगर का है, रियर वाइपर का है, कुछ काम नहीं करते है। पीछे वाली मोटर भी ख़राब हो गई है, तो भाई रिलायबिलिटी काफ़ी दिक्कत है। जैसे अब ये भी है, ये भी काम नहीं करता इस कार का। ये नॉर्मल चीज़ है यार, इसका वायर टूट गया। पहले भी मैंने सही कराया था, वो भी इतना मज़ा नहीं आया, उसमें भी वापस टूट गया। और इसमें दिक्कत है लाइट्स की, लाइट्स इसकी काफ़ी बेकार है यार। अलग क्या क्या बोलूँ मैं इसमें, काफ़ी अपग्रेड भी कराया मैंने। कोई और हो आपकी नज़र में अपग्रेड का, जैसे लाइट में काफ़ी अच्छा फ़र्क आ जाए तो वो भी बताना मुझे। मेरे को इस गाड़ी की लाइट की हमेशा से दिक्कत है, लाइट में एडजस्ट भी कर रही, इसकी मोटर भी ख़राब हो गई है। मोटर भी मेरे को यहाँ मेरे एरिया में मोटर मिल नहीं रही है, ये दिक्कत है। इलेक्ट्रॉनिक भी छोटे मोटे इसके, मतलब थोड़े थोड़े दिन में इलेक्ट्रॉनिक भी जाते रहते हैं, ऐसे दिक्कत है। लाइटें तो मैंने अभी चेंज कराई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ है बस लाइट को। इतने टाइम में इसकी लाइट वापस, परफॉर्मेंस इसका काफ़ी वीक हो गया है। उस नई नई लगी थी उस टाइम तो अच्छी, 80-90 का वो लगाया था मैंने, वापस चेंज कराना पड़ेगा मेरे को। फोग लाइट की बात करें तो फोग लाइट तो छोड़ ही दो भाई, इसका बटन तो एक तो चलता नहीं अंदर का, एक इसका अंदर का बटन ही नहीं चलता है और मतलब नहीं है फिर कुछ, बटन चलता ही नहीं है। और रोड पे भी इतना कुछ अच्छा प्रोजेक्शन इसका है नहीं भाई। जो बेस्ट अपग्रेड मेरे को इसमें लगा ये वाइपर्स, एरोट्विन वाइपर्स, तो ये मैंने अपग्रेड कराए थे और काफ़ी अच्छा साफ़ करते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले बारिश ही हुई थी, बारिश में काफ़ी अच्छा काम किया इसने। और जो बेस्ट चीज़ लगी ना, ये वाइपर ही लगे मेरे को। वाइपर ने काफ़ी मतलब बढ़िया था। पहले वाला वाइपर दिखने में भी अच्छा नहीं था, काम भी बढ़िया नहीं करता था। इसमें ना जंग वंग की दिक्कत, पूरा रबड़ का आता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है इसमें। ये अच्छी चीज़ थी, आपके पास सफारी तो आप ट्राई कर सकते हैं। और भाई अपनी सीरीज़ तो आने वाली है, इसमें इसका पूरा जैसे इंटीरियर वगैरह पूरा बनाएंगे, उसको पूरी गाड़ी को खोलेंगे, काम करेंगे पूरी खोलेंगे। जंग वंग आ रहा है, ये सब सेट नहीं बैठेगा भाई, जंग खा जाएगी बॉडी। तो फिर वो रोटोमोटिव में स्कॉर्पियो दिखाई थी ना, उस टाइप की हालत हो जाएगी इसकी, पूरा खोखले खोखली हो जाएगी, जंग खा जाएगी इसको पूरा। इधर से भी ये जंग, ये देखिए जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी वजह से चेचिस बैंड हो गई। पीछे ये लोहा है, ये लोहा भी इसका फट गया, फटना नहीं चाहिए, एक्सीडेंट से हुआ है, पता नहीं किससे हुआ है। कमज़ोर इम्पैक्ट तो पूरा इस साइड पे पड़ा है, पूरी इस साइड पे इम्पैक्ट पड़ा था एक्सीडेंट का। हालांकि एक ही मेजर एक्सीडेंट हुआ है, टचवुड आज तक ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं। और ये इसके आगे का वो लॉक टूट गया, इसके ये लॉक टूट गया, ये सिर्फ चिपका रखे ग्लू से, सब टूट गया लॉक। और भाई इसके मैंने ये भी चेंज कराया था, ये देखिए पूरा नया पैनल लगाया है मैंने, पूरा चेंज कराया था, पर इसमें अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत है। मिरर एडजस्टिंग इसकी ख़राब है, इसकी ख़राब नहीं है, ये चल रहा था पहले वाला जो सॉकेट था उसमें चल रहा था ये, पर इस वाले पीस में इसकी दिक्कत है, ये चल नहीं रहा है। और भाई इंटीरियर काफ़ी गंदा हो गया है, जैसे रफ टफ यूज़ है इस कार का काफ़ी। तो भाई आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बिगिनर हूँ, सपोर्ट चाहिए भाई आपका। और भाई इसकी जल्दी वीडियो आएगी रिस्टोरेशन की, वो स्टे ट्यून, थैंक यू।